होटल इंडस्ट्री संबंधित सारी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन होटलियर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैं नाम विक्रम और आप देख रहे हैं इंडियन होटलियर्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे जो इंटरव्यू टाइम पे है, जो हमारा इंटरव्यू टाइम है, सबसे ज्यादा हमारा कठिन समय जो बोलते हैं हम लोग उसको। अभी आप कॉलेज में हैं या फिर अभी आप जॉब कर रहे हैं, आपको इंटरव्यू कभी ना कभी फेस करना ही है। तो इंटरव्यू फेस करने से पहले जो मैं एक टिप्स देने वाला हूं आपको, इस पे काम कीजिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा कि आपको ये, जब अगर आप अभी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ इनको पहले क्लियर कर लीजिए, तभी आप एक इंटरव्यू में जाइए। विदाउट ये सब क्लियर किए आप इंटरव्यू में जाएंगे, फेल हो जाएंगे, अभी फिर डिमोटिवेट होंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। जो मैं टिप्स बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और उस पर काम कीजिए। आफ्टर दैट आप कहीं भी इंटरव्यू में जा सकते हैं। और ये जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ इसको अगर आपने अच्छी तरीके से सीख लिया और इस पे काम करके अपने को स्ट्रांग बनाया तो डेफिनेटली आप कहीं भी JEE मेरिट या रेडिसन कोई भी ताज ओबेरॉय कहीं का भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग न्यू। वेलकम बैक गाइज, होप यू गाइस डूइंग वेरी वेल। बात कर रहे थे हम लोग हमारे इंटरव्यू टिप्स के बारे में। जो पहली टिप है आपको मैं देना चाहता हूं इसमें आपके इंटरव्यू के लिए, वो है आपकी ड्रेसिंग सेंस। देखिए ड्रेसिंग सेंस मैंने क्यों बोला, आप अब एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपके सामने दो बच्चे हैं, एक बच्चे की नाक बह रही है, कपड़े भी गंदे पहने हुए हैं, और दूसरा बच्चा हुआ है जो साफ सुथरा है, स्माइल के साथ बैठा हुआ है, तो आपका ध्यान किस तरफ डाइवर्ट होगा, उस प्यारे बच्चे की तरफ या फिर वो गंदे जो उसके नाक बह रही है उस बच्चे की तरफ। आप इंटरव्यू रूम पे जैसे एंटर करते हैं आपके माथे पे तो लिखा नहीं होगा कि आप कितने टैलेंटेड हैं, आपके माथे पे तो नहीं लिखा होने वाला है ना, या फिर इंटरव्यूअर परमात्मा है वो सब कुछ जान लेगा आपके अंदर से कि हाँ भाई ये सर आ गए हमारे, इनको तो सब कुछ पता है, ऐसा कुछ है नहीं, होने वाला है नहीं। कुछ शक्ति आके आपको आपके इंटरव्यू के इम्पैक्ट डालने वाली है नहीं। आपका ड्रेसिंग सेंस ही है जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन को बेस्ट इंप्रेशन बनाएगा आपका ड्रेसिंग सेंस। आपके ड्रेसिंग सेंस में आपके फॉर्मल पैंट होनी चाहिए, व्हाइट शर्ट, फॉर्मल शूज, ब्लैक सॉक्स, आपके टाई ब्लैक या ब्लू चलेगी, दोनों में से कोई भी एक, ब्लेजर बहुत ही अच्छी बात है अगर आपके पास ब्लेजर है, अगर आप कॉलेज में तो डेफिनेटली आपके पास ब्लेजर होगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं एक ब्लेजर खरीद लीजिए, थोड़ा बहुत 2-3 हज़ार रुपये का, 2000 रुपये का अच्छा सा ब्लेजर आ जाता है, आप एक ब्लेजर ले लीजिए, ठीक है। अगर आप ब्लेजर नहीं भी पहन रहे हैं, अगर आप एसोसिएट लेवल पे जा रहे हैं तो आप नॉर्मल से टाई पहन के एक टाई पिन ले लीजिए, 100 रुपये की टाई पिन आ जाती है, टाई पिन लगा लीजिए, तो एक यूनिक सा इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर पे कि हाँ भाई लड़का अपने ग्रूमिंग सेंस पे ध्यान देता है। दूसरा टिप्स मैं देना चाहता हूँ आपको ग्रूमिंग सेंस, कि आपकी ग्रूमिंग सेंस कैसी है। लाइक ग्रूमिंग सेंस में आपका आता है नेल्स, अगर आप बात करते करते आपका इंटरव्यू का सीधा ध्यान गया आपके नेल्स की तरफ, अगर आपके नेल्स गंदे हैं तो क्या क्या पड़ेगा उसको, क्या सोचेगा वो आपके बारे में। तो आपका नेल्स हेयर शॉर्ट हेयर होने चाहिए आपके, और सेविंग क्लीन सेव होना चाहिए, बिकॉज आप एक ऐसे इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं जहां पर हाइजीनिक ग्रूमिंग को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ऐसे इंडस्ट्री में घुस रहे हैं। बोलते हैं ना कि अगर आपको एक अच्छा खाना मिल जाए तो आपके डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हम ही हैं जो एक अच्छा खाना खिला सकते हैं, गेस्ट की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, बॉडी लैंग्वेज। जैसे आप इंटरव्यू रूम में एंटर होते हैं वहां आपसे पूछते बोलते हैं प्लीज हैव अ सीट, आप बैठे उनके पास, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखा जाता है। ये बहुत ही मेन पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज आपकी, कि आप कैसे बैठे हैं। आपको के बैठने पर और आपने उनसे पूछ लिया, पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यू का होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, उन्हें पूछ लिया, अगर आप मेरे बगल में बैठे हैं और मैं भी बैठा हूं, आपको भी क्वेश्चन आंसर आता है उसका और मुझे भी आंसर आता है। बट हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत ही बड़ी गलती, मुंडी ऐसे ऐसे हिलाते हैं, सर माई नेम इज विक्रम भंडारी, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, आई हैव कम्प्लीटेड माई, ये बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमको मुंह से बोलना है, हमको हाथों से वो गूंगा नहीं है इंटरव्यूअर, या उसको सुनाई नहीं कम देता है, ऐसा नहीं है, हम हाथों से हमको हाथों से नहीं समझाना है, ठीक है। तो हमको बोलना है मुंह से, सर माय नेम इज विक्रम भंडारी, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, आई हैव कंप्लीटेड माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रॉम उत्तराखंड, इस टाइप से बोलना है, ठीक है। तो एक लय बनता है कि आप एक बोल रहे हैं कि ऐसा लगेगा इंटरव्यूअर को, हाँ ये इंटरव्यू देने आया है, बंदे में कुछ बात है, ठीक है। ये तो हो गया बॉडी लैंग्वेज, और नंबर फोर्थ आया था आपका नॉलेज। भाई जो आपका मेन पॉइंट है यही है नॉलेज, कि आपको कितनी नॉलेज है। अगर आप फ्रेशर हैं
डोंट वरी, आपको नॉलेज के बारे में जो आपके थ्योरिकल है उसमें से इंटरव्यू कितने क्वेश्चन पूछता है, आपके थ्योरिकल जितनी किताबें पढ़ रहे हो ना आप इतनी मोटी मोटी, उसमें से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा तीन क्वेश्चन, मोस्टली लोग अगर ज्यादा ही पूछेंगे चार क्वेश्चन, तीन से। मेरे को आज तक इंटरव्यू, मैंने इतने इंटरव्यू फेस किए, रेडिसन ब्लू और भी बहुत से बड़े बड़े होटल्स के इंटरव्यू क्रैक किए हैं, इसमें से एक दो जो आपका थ्योरिकल क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ एक या दो, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। आपको क्वेश्चन पूछते हैं टेक्निकली, आपके माइंड प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, उस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। सो आपका नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मतलब ये नहीं कि सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपने 10 क्वेश्चन मार लिए, आपको पढ़ना पूरा सिलेबस ही पड़ेगा। क्या पता सिलेबस में से आपके लास्ट सिलेबस में से आपको पूछ लिया, आपके फोर्थ सेमेस्टर में से पूछ लिया, राइट, आपके सेवंथ सेमेस्टर में से पूछ लिया, तो आपको पढ़ना तो पूरा ही है, आपको स्टडी पूरे सिलेबस की करनी है, बट आपको पूछते ही दो से तीन क्वेश्चन ही है आपके जो थ्योरिकल जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो है नॉलेज का फंडा, बट आपको नॉलेज होना चाहिए। और टिप्स नंबर 5 है जो आप लोगों से मैं आज शेयर करने वाला हूं, वो है कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास नॉलेज है, ठीक है, उसको हम कॉन्फिडेंस से कैसे बोलें और आपकी कम्युनिकेशन स्किल किस लेवल की है, वो बहुत ही डिपेंड करता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल है ना, मेरे से किसी ने पूछा था कि सर कम्युनिकेशन स्किल मायने करती है क्या, मैटर करता है, डेफिनेटली ब्रो, अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है ना, आप 10 साल तक एसोसिएट में रगड़ते रह जाओगे। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, कम्युनिकेशन पावर नहीं है, कम्युनिकेशन पावर डेवलप नहीं है आपके अंदर, तो आप इस इंडस्ट्री में नहीं चल सकते, 10 साल तक आप रगड़ते रह जाएंगे और रगड़ने वाले आपके रगड़ते रहेंगे, ठीक है। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दीजिए। बहुत से होटल्स हैं जो आपको कम्युनिकेशन स्किल पे आपको एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं होटल के अंदर ही, तो बहुत अच्छा स्कोप है इसमें, बट आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो एक अच्छा होना ही चाहिए इस इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो ये है कुछ टिप्स जो मैंने आपको 5 टिप्स से आपने अगर फॉलो कर लिए, आपके ड्रेसिंग सेंस, आपका ग्रूमिंग सेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका कम्युनिकेशन स्किल और लास्ट वन आपका नॉलेज, ये जो 5 पॉइंट्स हैं, अगर आपने इसको इंटरव्यू में जाने से पहले अपने माइंड में सेट कर लिया और इसको क्रैक कर लिया, अपने मिरर के सामने जाके अपने ये सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिपीट कीजिए, इन 5 पॉइंट्स के पीछे काम कीजिए, आप डेफिनेटली आप किसी भी होटल का इंटरव्यू पार कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वीडियो देखते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोगों के कोई सुझाव सजेशन हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आकर मैसेज कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपका मैसेज का रिप्लाई करूंगा, हम लोग बातें करेंगे, आपके डाउट्स क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लाइफ में फ्यूचर में इन फ्यूचर आपके लिए बहुत मदद करने वाला है ये वीडियो, मैं ये आशा करता हूँ। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।